यह कहानी बोरो पर सिक्कट गांव की है, जो कि कटिहार जिला का अंतर्गत पड़ता है। यहां पर 5 सालों से राजीव गांधी विद्युत परियोजना का बिजली का तार खंभा खुटा आदि लगे हुए हैं, पर यहां पर बिजली का लाइन अभी तक नहीं आए हैं। मेरा गांव में वही 5 बरस से पोल और खुट्टा सब लगा हुआ है। लाइन का कारण मेरा बच्चा का पढ़ाई लिखाई शिक्षा में अधूरा हो रहा है। मोबाइल चार्ज हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है इस पंचायत में। बहुत कोशिश कर लिए लेकिन लेन आवी नहीं लड़की कारण से अच्छे से नहीं आवे छे। हमरा सब लोग तो जानकारी नहीं छे। पर बोर्ड उठ लगी गेल छे। बोर्ड उठ लगी गेल छे, पोल भी गरा गेल छे। सब दाफी के छे, एक महीना में एते दू महीना में एते, लेकिन लेन रख कोई भी पता नहीं छे। लाइन नहीं आने के कारण आपको क्या क्या मुसीबत खेपना पड़ता है? बहुत चीज, बच्चा ने पढ़ाया हुए छे साँच का, घर में काम नहीं हुए छे, तेल भी बहुत कम मिले छे, डिबिया या अनहार रहे छे, बच्चा में कहाँ से पढ़ेगी। ममता कुमारी जो कि महादलित से आते हैं, इनके माता पिता बहुत गरीब हैं, जो कि मिट्टी का तेल 50 रुपये लीटर खरीद नहीं पाते हैं और इनकी पढ़ाई दिन पे दिन कमजोरी होते जा रहे हैं। आपका गांव में कब से लाइन का खुट्टा और टपोल लगा हुआ है? 5 साल से। और लाइन नहीं आ रहा है? नहीं। तो आपको पापा कुछ किया? किया तो था, लेकिन अब गरीब का बात कोई नहीं सुनता है तो क्या करेंगे। सोच रहे हैं कुछ पढ़ लिख के बने, और हम लोग के यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग का आगे पढ़ाई आगे नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग का भी पढ़ाई का बहुत कमजोरी चल रहा है। इसके बारे में बहुत कुछ किया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला आज तक। मैं भी इसी पंचायत के रहने वाली और मुझे भी लाइन के लेके बहुत सी समस्या को सामना करना पड़ता है। मुझे भी कैमरा का बैटरी के चार्ज के लेके बाजार की ओर जाना पड़ता है। जब हमने वीडियो बना के जिला अधिकारी डीएम के पास गए तो डीएम हमसे मिलने के इनकार कर दिया, और हमने फ़ोन भी लगाए तो मेरा फ़ोन भी काट दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द बिजली का कनेक्शन दिया जाए। जिला अधिकारी का नंबर है 94 73 13 75 पे कॉल करें और मेरे गांव में बिजली का कनेक्शन देने के लिए दबाव डालें। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया के लिए।